So today we'll cover the topic that is human transportation, or we can say human circulation. Now in this topic, first of all, we should know about what are the different component of the human circulation. So first of all, we can see over here that is the human circulation is controlled and regulated by human circulatory system, or we can say cardiovascular system. हम लोग के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जब ब्लड जाता है या फिर ज्यादातर जो हम लोग का एसेंशियल मटेरियल है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, राइट? एंड द सर्कुलेशन आल्सो हेल्प्स टू रिमूव द यू नो दैट वन वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी और द एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. सो देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज ईच एंड एवरी सेल एंड ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ आवर बॉडी दैट रिक्वायर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अलोंग विद द फूड. हम लोग के बॉडी में हर जगह पे जहां जहां पे मतलब हर जगह पे हम लोग का सेल या टिश्यू है तो हर एक टिश्यू या फिर हर एक सेल में कंटिन्यूस ऑक्सीजन का और फूड का डिमांड होता है. तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए हम लोग का जो सिस्टम हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम काम करता है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और वी कैन से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Now this particular system is basically that is made up of three component or three unit, that is blood and lymph, known as the medium for circulation, blood vessels, that is artery, veins and capillaries. There are three types of blood vessels are there, basically two types are there, that is arteries and veins, and whenever this artery and vein they combine together they can form the capillaries. Hamare body mein har ek jagah pe hum log artery hai और वेन दोनों को देखेंगे, ठीक है? वहां पे क्या होता है, आर्टरी और वेन जब एक साथ कंबाइन करते हैं दे कैन फॉर्म द कैपिलरीज, वो कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है? एंड द हार्ट, दैट इज अ पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन दैट रिसीव्स ब्लड एंड सेंड इट बैक टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हम लोग का एक हार्ट जो एक पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है एंड सेंड इट बैक टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर उसको सेंड बैक करता है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो हर वक्त पंपिंग करता रहता है, राइट? नाउ वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ द ब्लड इज बीइंग पंप्ड. ये देखो, अभी हम लोगों ने बताया कि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स कंटिन्यूअसली, जो पंपिंग करते हैं. अभी जो कंट्रैक्शन फेज होता है हार्ट का तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल. द कंट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज डायस्टोल. सो वी कैन से दैट द हार्ट इज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन. जब कंट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, देखो, ब्लड एग्जिट फ्रॉम द चैम्बर. तो ब्लड एग्जिट फ्रॉम द चैम्बर मतलब हार्ट में चैम्बर्स होते हैं. हम लोग के हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं. जब हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो हम जानेंगे कि जब कंट्रैक्शन होता है हार्ट चैम्बर का तो ब्लड वहां से निकल के आता है, दैट इज आउटगोइंग फ्लो ऑफ ब्लड. मतलब चैम्बर से निकल के कहाँ पे जाता है, सेंड बैक टू द ऑर्गन्स. डिफरेंट हम लोगों के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड जाता है. उस ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन एंड फूड. डायस्टोल, जब चैम्बर रिलैक्स करता है तो क्या होता है, चैम्बर्स फील्ड विद ब्लड, चैम्बर्स में ब्लड आ जाता है, दैट इज ब्लड इज रिसीव्ड. सो डायस्टोल में ब्लड इज रिसीव्ड एंड सिस्टोल में ब्लड इज सेंड बैक टू द ऑर्गन्स. ब्लड इज रिसीव्ड मतलब क्या, इनकमिंग फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड चैम्बर में आ जाता है. तो जब आ जाता है तो डायस्टोल होता है, दैट इज रिलैक्स होता है, उसके बाद फिर से पंपिंग होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन या फिर सिस्टोल. सो इन दिस वे दिस सिस्टोल्स एंड डायस्टोल दैट इज रिसीविंग एंड सेंडिंग बैक द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज ब्लड. ब्लड इज बेसिकली, देखो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेड इन कलर. व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन. अभी ब्लड का जो हिस्ट्री है, कहाँ से ब्लड प्रोड्यूस होता है या फिर
हम लोग के बॉडी में कहाँ कहाँ से ब्लड प्रोड्यूस होता है हम लोग जान सकेंगे इसको जान के। ये क्या है, देखो वी नो दैट आवर यू नो दैट इज आवर बर्थ फ्रॉम ए फीटस। हम लोग जब मदर सोम में रहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ जायगोट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन क्लास 8। फर्स्ट ऑफ ऑल अ जायगोट इज प्रोड्यूस्ड, जायगोट इज डेवलपिंग इन एम्ब्रायो, एम्ब्रायो इज डेवलपिंग इन फीटस एंड फीटस विल बी डेवलपिंग ए ह्यूमन बेबी। सो दैट इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। सो ड्यूरिंग दिस एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट which will be taking place in the mother's womb, okay, at that time in the embryo, embryo is nothing but a mass of cell and that is shapeless, jiska koi shape nahi hai. So in this embryo we can see that there are three layers of, you know, skin are there, there are three layers of skin are there which is known as triploblastic skin. Like for example, whenever during the embryo, say if I draw an embryo over here, it will look like that. Say this is an embryo. It doesn't have any particular shape. It's just looking like a mass of cell out there. It's just looking like a mass of cell. So in this embryo, okay, in this embryo, there are three layers of skin, or these are known as the germinal layers. And these germinal layers are ectoderm, mesoderm, and endoderm. क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता, इसमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते, हाँ ये मसल है और जिसमें ब्लड्स होते हैं, इसमें ब्लड होते हैं, ओके। सो इस एम्ब्रायो में थ्री लेयर्स होते हैं एंड दिस लेयर्स आर बेसिकली नोन एज बाहर से अंदर तक, फ्रॉम द आउटर टू द इनर साइड, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो ड्यूरिंग दिस एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, मेसोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। इस मेसोडर्म से ब्लड प्रोड्यूस होता है क्योंकि तुम लोग को पता होगा जो एम्ब्रायो होते हैं उसमें ब्लड होते हैं, बाद में ये फीटस होता है। फीटस मतलब ह्यूमन लाइक बेबी स्ट्रक्चर जिसमें से लिम्स निकल आते हैं, उसका हार्ट प्रोड्यूस होता है, ओरिजिनेट होता है, किडनी ओरिजिनेट होता है, लंग्स ओरिजिनेट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे होता है। तो कहाँ से होता है, ये जो थ्री लेयर देख रहे हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसी में से होता है। तो ब्लड भी किसी एक लेयर से होता है और जो लेयर होता है मेसोडर्म, मेसोडर्मल लेयर। तो ये कब होता है ब्लड प्रोड्यूस, जब एम्ब्रायो होता है तभी ब्लड प्रोड्यूस होता है, कहां से, मेसोडर्मल लेयर से। अभी जब एक ह्यूमन बेबी मैच्योर हो जाता है, अभी जब एक छोटा बच्चा लाइक इन्फेंट, इन्फेंट आर वेरी डेलिकेट, the bones are also not, you know, that is they are not developed properly. To us taraf jab chote rehte hai bacche to liver se produce hota hai, aur jab hum log bade ho jate hai, jab hum log ka bone developed ho jata hai, tab us bone se hum log ka kya produce hota hai, blood produce hota hai. To dekho hum logon ne yahan pe teen tarah ka cheez bataya. Ek hai tumhara, हम लोगों ने यहाँ पे तीन तरह का चीज बताया। एक है तुम्हारा एम्ब्रायो, देख लो, एक है एम्ब्रायो, दूसरा है इन्फेंट, तीसरा है मैच्योर स्टेज, राइट, तीसरा है मैच्योर स्टेज। तो जो एम्ब्रायो होगा तब कहां से होगा, ये तब होगा मेसोडर्म से ब्लड प्रोड्यूस होगा। जब इन्फेंट होगा तब होगा लीवर से, और मैच्योर स्टेज में होगा बोन मैरो। अभी बोन मैरो कौन सा है, हम लोग हर एक चिकन खाते हैं तो देखो बोन मैरो को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं,
ये एक बोन है, सबको दिखाई दे रहा है क्या? सर। ये वाला एक बोन है, देखो बोन के ऊपर एक सफेद कलर का ऐसे एक व्हाइटिश पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये वाला बोन मेरो नहीं है, बोन मेरो कौन सा मैं दिखा रहा हूं अभी? बोन के अंदर जो होता है बोन पोरस होता है, मतलब पोरस मतलब उसमें ऐसे ऐसे स्पॉट होते हैं बहुत सारे, ये पोरस होते हैं। बोन के अंदर में एक यहाँ सर पे, एक रेड कलर हाँ एक रेड कलर का नहीं, ये थोड़ा रेड नहीं होता, ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश रेड एक का पार्ट होता है। हम लोग इसको अगर ठीक तरह से चबाएंगे तो ये निकल आएगा, ये होता है बोन मेरो। ये ब्राउनिश रेड कलर का एक चीज होता है अंदर, ठीक है, एक ब्राउनिश कलर का एक चीज होता है ऐसे, ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश रेड होता है ये, ऐसे ब्राउनिश रेड होता है, इसको हम बोलते हैं बोन मेरो। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस बोन मेरो से ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी क्या देखो मैंने क्या लिखा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड जो है हर एक जगह पे सर्कुलेट कर सकता है बॉडी में, इसलिए ये फ्लूइड है। और ये क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म से देखो हम लोग के जितने भी सारे बॉडी पार्ट से ऑर्गन से जो मेसोडर्म से रिलेट करते हैं या फिर मेसोडर्म से जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अभी जब हम एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में थे तो ये मेसोडर्म से प्रोड्यूस होता था, राइट। जब इन्फेंट हुआ तो लिवर से, जब मैच्योर स्टेज में है तो बोन मैरो से, मतलब ये जो बोन है वो मेसोडर्म से ही क्रिएट हुआ। जैसे कि एक्टोडर्म, देखो अभी अगर हम ऐसे बोलेंगे तो एक्टोडर्म जो होता है, एक्टोडर्म से क्या होता है, एक्टोडर्म से हम लोग का स्किन प्रोड्यूस होता है, स्किन, उसके बाद हेयर, ये एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होता है। मेसोडर्म से हम लोग का ब्लड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद बोन्स, कार्टिलेज, लिम्फ, उसके बाद एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम द मेसोडर्म। सो मेसोडर्म से जितने सारे टिश्यूज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और एंडोडर्म से हम लोग का जितने सारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, ओके। हम लोग का जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, पेंक्रियस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, इसोफेगस, जितने सारे हम लोग का ब्रेन, जितने सारे हम लोग का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, सभी वो ऑर्गन्स वो एंडोडर्म से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब एंडोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द, यू नो, जस्ट टू ओरिजिनेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। मेसोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। एक्टोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। आउटर कवरिंग में जो जो पार्ट होते हैं वो सब एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होते हैं। सो वी कैन कम टू ए कंक्लूजन दैट ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेड इन कलर, क्योंकि ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मेरो, दैट इज इन मैच्योर स्टेज, एंड ऑल्सो फ्रॉम मेसोडर्म एंड लीवर, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे कि एम्ब्रायो से जब फीटस होता है, फीटस यानी ह्यूमन बेबी लाइक स्ट्रक्चर, तभी मेसोडर्म और लीवर से ब्लड प्रोड्यूस होता है। ये रह गया हम लोग का ब्लड का इंट्रोडक्शन। एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग ब्लड? एनी वन? किसी को कोई? ओके स्मृति, एली, रिद्धित्वा, प्यारली, एनी कन्फ्यूजन? ओके फाइन, रिद्धि, एनी कन्फ्यूजन? ओके फाइन, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड, हम लोग को अभी ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, ब्लड का कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू सी द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं 100 ml का, उसमें हम लोग 100 ml ब्लड ले लेंगे, ठीक है। वी हैव टेकन 100 ml ब्लड इन ए टेस्ट ट्यूब, फिक्स द टेस्ट ट्यूब इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड मिक्स इट वेल। सेंट्रीफ्यूज मशीन मतलब जो हम लोग का जो ब्लेंडर है,
हम लोग के घर में जो ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर ब्लेंडिंग मशीन ऐसा होता है, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, क्या ले लेंगे, एक वी हैव टेकन वन सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये ऐसा रहता है। देखो मैं दिखा रहा हूं, इसके नीचे मोटर लगा हुआ रहता है इसके नीचे, और यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे एक होल रहता है, बहुत सारे होल रहते हैं। इस होल में हम लोग टेस्ट ट्यूब फिट कर सकते हैं, वी कैन फिक्स द टेस्ट ट्यूब। तो जो ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। इसको हम लोग उसमें फिक्स कर देंगे टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद क्या होगा देखो, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इसमें हम लोगों ने उसको अंदर घुसा दिया। उसके बाद इस मशीन को हम लोग चालू कर लेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत जोर से ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, इट विल रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और बहुत स्पीड से रोटेट करेगा, इट विल रोटेट इन ग्रेट स्पीड, ये वाला रोटेट करेगा मशीन। ये बहुत अच्छी तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। ये जब रोटेट करेगा, वेन एवर इट विल रोटेट, ये जब रोटेट करेगा बहुत जोर से, तो क्या होगा, एट दिस टाइम ऑल द मेटेरियल्स इन साइड दैट विल मिक्स अप प्रॉपरली, जितने सारे मेटेरियल्स है उसमें, जितने सारे फ्लूइड है, सब मिक्स हो जाएगा। सो फिक्स द टेस्ट ट्यूब इन ए सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड मिक्स इट वेल, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। कीप द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स, 3 या 4 घंटे के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ दो, उसको मत पकड़ो, इसको मत टच करो, उसको सिर्फ रख दो कहीं पे भी अनडिस्टर्ब। सम सेडिमेंट्स कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कुछ देर बाद यानी 3 या 4 घंटे के बाद देखोगे तो उसमें जितने सारे सेडिमेंट्स है वो नीचे आ गए, कुछ सेडिमेंट्स नीचे आ गए, अप्रोक्स 45% या 45 ml ये वाला आ जाएगा। सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स एज पर देयर डेंसिटी ग्रेडियंट, अब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर हम लोग देखेंगे एक फ्लूइड है, और नीचे हम लोग क्या देखेंगे, नीचे हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ब्लड सेल होते हैं, जो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे आ जाता है, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब वो फ्लोटिंग रहेगा और नीचे कुछ चीजें नीचे आ जाएगा एज पर देयर डेंसिटी ग्रेडियंट। सो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इनटू टू, वन इज प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट और द फ्लूइड पार्ट, एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज नोन एज द ब्लड सेल। तो ब्लड में दो तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है तुम्हारा ब्लड सेल या फिर ब्लड कॉर्पसल्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा। अभी एक चीज हम लोग को बहुत कंफ्यूज करता है, वो क्या है, हम लोग के एक चीज बहुत कंफ्यूज करता है, वो क्या है देखो, वो है हम लोगों ने कभी सोचा है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, पर ये कभी कोआगुलेट या फिर क्लॉट नहीं होता। व्हाई, कभी उसको प्रिवेंट नहीं होता, फ्लो कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स नेवर गेट कोआगुलेटेड और क्लॉटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन, ए केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के वॉल में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हेपरिन। उस हेपरिन क्या करता है, कोआगुलेशन या फिर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। सो इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन एवर द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। नाउ विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कैन बी कैटेगराइज्ड लाइक दैट, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, से फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 100 ml ब्लड, तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड पार्ट होगा 55%, मतलब 55 ml,
मतलब अभी जो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा है, ये जो डायग्राम हम लोगों ने देखा है, देखो बेटा इसमें ये वाला होगा तुम्हारा 55%, ये वाला हो जाएगा 45%, दिस पार्ट विल बी 45 एंड दिस पार्ट विल बी 55. So this 55% is known as the plasma, that is the liquid part or the fluid part of the blood, and the formed elements will be, and the formed elements will be 45%, that is the blood corpuscles, or we can say the blood cells. Now the plasma is having again two parts, that is plasma contains 90% of water, and 10% of the plasma will have minerals and calcium ions, hormones, plasma proteins, essential food substance. Matlab plasma mein kya hoga, प्लाज्मा में 90% वाटर रहेगा और बाकी जो 10% है वो रहेगा मिनरल्स एंड कैल्शियम आयंस, हार्मोन्स रहेगा, प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लाज्मा में रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड एसेंशियल फूड सब्सटेंसेस. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स वी कैन सी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स वी कैन सी, or the blood corpuscles we can see RBC, that is red blood cell or red blood corpuscles, which is also known as erythrocyte. The main function of erythrocyte or the RBC is carry carbon dioxide and oxygen to the different parts of the body. The second blood cell is WBC, or we can say leukocyte or white blood corpuscles or white blood cell. They provide protection from germs by killing them. Hum log ka body ka jo immunity hota hai, immunity matlab jo body defense mechanism jo kaam karta hai by default, कैसे काम करता है, बिकॉज द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इज बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ अ टीम ऑफ डब्ल्यूबीसी, एंड डब्ल्यूबीसी ऑलवेज प्रोवाइड अस द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनी जर्म्स बाय किलिंग देम. एंड द लास्ट ब्लड सेल दैट हैविंग द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल, दैट इज प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ये ब्लड क्लॉटिंग में हम लोगों को हेल्प करता है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. द प्लाज्मा, which is the fluid part of the blood, contains the 90% water, and 10% of the plasma will contain the minerals and calcium ions, hormones, plasma proteins, essential food substances. The blood corpuscles or the blood cell that contains near about 45% of the total blood contains three types of blood vessels, blood cell, that is RBC, known as the erythrocyte. They carry the oxygen and carbon dioxide to the different parts of the body. WBC or the leukocytes, which provide the protection from the germs by killing them, and the platelets or the thrombocytes that help in clotting of blood. So that's all about the components of blood. The next one we'll know about the that one lymph. What is lymph? Okay. Up to this, any confusion, anyone? Any confusion? Okay, Pierli, Smriti, Eli, Riddhi, Eli. Okay, fine. So please join the class within 2 minutes.